राजधानी शिमला में बुधवार को DYFI ने शहीद भगत सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान DYFI के कार्यकर्ताओं ने उपायुक्त कार्यालय के बाहर भगत सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके बताए रास्तों पर चलने की शपथ ली। DYFI के जिला सचिव अमित ठाकुर ने बताया कि आज के ही दिन 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव व राजगुरु फांसी के फंदे पर चढ़े थे। तब से ही 23 मार्च को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है और उन्हें श्रद्धांजलि दी जाती है। उन्होंने बताया कि भगत सिंह ने कहा था कि पढ़ाई के साथ हमें अपने हक के लिए भी लड़ना चाहिए। आज के युवा वर्ग को भगत सिंह के विचारों को आत्मसात करने की जरूरत है, तभी बेहतर समाज की परिकल्पना की जा सकती है। शिमला शहरी सचिव, आज भारत की जनवादी नौजवान सभा DYFI की ओर से राजधानी शिमला के इस उपायुक्त कार्यालय के बाहर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आज के दिन 23 मार्च 1931 को शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी जो है वो हुई थी, तो आज हम उन्हें यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से आज देश के अंदर भी युवा है, युवाओं के लिए हमेशा से प्रेरणा स्रोत भगत सिंह रहे हैं और आज भी उन्हें जो है याद किया जाता है। भगत सिंह कहा करते थे कि विद्यार्थियों का, युवाओं का मुख्य काम पढ़ाई करना है, लेकिन समाज के अंदर जो कुछ घटित हो रहा है उसका विश्लेषण कर उसके लिए लड़ना, उसके लिए संघर्ष करना, ये भी युवाओं का काम है। तो हम देश के युवाओं से ये एक अपील यहाँ से करना चाहते हैं कि आज देश के अंदर बेरोजगारी है, आज देश के अंदर धर्म जाति के नाम पर लोगों को लड़ाया जा रहा है, तो ये सारे मुद्दों से भटकाव की ओर ना जाते हुए देश को एक बेहतर समाज की ओर हमें ले जाना है और समाज को एक बेहतर दिशा की ओर हम तभी ले जा सकते हैं जब हम उस समाज के लिए एक अपना योगदान दें और समाज को बेहतर बनाने के लिए काम करें। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए शिमला से पुष्पेंद्र चौधरी की रिपोर्ट।